एक आदमी ने तपस्या किया तो भगवान शंकर प्रकट हुए, तो उस आदमी से पूछे क्या चाहते हो? कहा बाबूजी खेत चाहते हैं। कहा जाओ आज सूरज ढलने तक जितना इलाका तुम कवर कर लोगे वो सब तुम्हारा। वो चलता रहा दिन भर। जब सूरज ढलने लगा तो बोले जितना कवर करके लौट आओगे उतना तुम्हारा। अब यहां से इटावा चले गए सूरज ढलने तक, अब लौटे कैसे? रनिया चले जाके लौट आते, कुछ तो मिलता। अपनी परिस्थिति को समझना ये विवेक है। अकबर ने राजपुताना पे कब्जा नहीं किया सीधा, क्यों फालतू में आग में हाथ डालना? समझदार आदमी है वो, जानता ये राजस्थान के राजपूत लड़ाई इनका शौक है, गेम। करवा चौथ का जो फेस्टिवल है वो राजस्थान का है। दो तीन इलाके बड़े खतरनाक है, एक तुम्हारा ये कानपुर बुंदेलखंड से सटा हुआ है, करवी जालौन बांदा अतर्रा। ये चंबल का इलाका है पान सिंह तोमर का। यहां का आदमी बात कम करता है, तो बहुत सारी चीजें सुधर गई, इसलिए आज तक कोई आईएएस की कोचिंग यहां सफल नहीं हुई। यहां का लड़का मिलिट्री का दूध घी पी के मिलिट्री तैयारी करेगा, आईएएस की करेगा। आईएएस की कोचिंग सफल हुई इलाहाबाद में, क्योंकि इलाहाबाद गंगा के किनारे है। जौनपुर प्रतापगढ़ वाराणसी साग वाग खाए दुबले पतले लोग पढ़ने वाले। यहां का लड़का तुम देखो 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर भाग रहा है, शॉर्ट आउट पहनकर रात में भाग रहा है। हाँ भर्ती आने वाली है। ज्योग्राफी का बहुत असर होता है ना, ज्योग्राफी का। कानपुर में सिविल की कोचिंग कोई चला नहीं पाया। अब अफगानिस्तान में तुम जाके आईएएस की कोचिंग खोल लो, AK-47 लेके स्टूडेंट बैठा हुआ है। गुरुजी क्या बोले थे? नहीं नहीं भैया हम तो कुछ बोले ही नहीं।